हाँ, उम्र होती है एक निश्चित विवाह की, कभी भी कर लो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा क्या उम्र होती है, मेरे गुरु महाराज बताते हैं, ब्याह को चाह उठे मन में तो 15-20-25 लो कीजिए, 25 तक, तो इसके बाद नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन हालत देख लेना, 30 भये तनखीस भये और 40-50 पे नाम न लीजे, और जो कहूं 60 बरस पे जी घबड़ावे। साठ बरस जब आवे, जो कहूं 60 बरस पे जी घबड़ावे, तो उतार के जूती कपाल में दीजे। इधर लगाओ दिमाग, देखो है उधर की व्यवस्था और इधर की व्यवस्था बनाने में लगे हैं, इधर नहीं इधर ही जाओ। एक हमारे महाराज जी बड़ी अद्भुत कथा सुनाते, एक महात्मा जी का शिष्य था, नाम था रज्जब, और वो बड़ा महात्मा जी की सेवा में रहे, खूब सेवा करे। एक दिन उसके घर वालों ने विवाह उसका तय कर दिया, उसने अपने गुरु जी को बताया नहीं। जब विवाह तय हो गया तो वो आना बंद कर दिया उसने, वो सत्संग में ना आवे ना आए ना जाए। पता लगवाया गुरु जी ने कि ये रज्जब आता क्यों नहीं है, पता लगवाओ इसका क्या बात है। तो पता लगाया गया, चेलों ने बताया, महाराज हाँ उसका विवाह तय हो गया। अरे राम, ये तो फंस जाएगा महाराज, तो क्या करें। बोले चलो उसको लेकर के आओ। गया, अब उसकी विवाह की तैयारियां चल रही, महाराज बारात आ गई, इधर महात्मा पहुंच गए सब, और महात्माओं ने जो देखा रज्जब को घोड़ी पे बैठे हुए, अब क्या कहें, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। सो महात्मा जी ने वहीं से कहा, ए रज्जब, रज्जब ते गज्जब कियो, हाँ रज्जब ते गज्जब कियो, कियो नरक को ठोर, आयो थो हरि भजन को सो बांध लियो सिर मोर। हरि भजन के लिए आया था वहां, यहां सिर मोर बांध लिया, छोड़ो इसको भागो। और महाराज ऐसा वैराग्य दिलाया कि सब छोड़ के भाग गया महाराज।